अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा है। मुझे तो रोज़ा बिल्कुल ही नहीं लग रहा, लेकिन किटी को बिल्कुल रोज़ा लग रहा है। आई डोंट थिंक सो, मुझे तो लगता है इसने रोज़ा रखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये परेशान है। किटी क्यों परेशान हो जी? फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये टाइम तकरीबन असर का टाइम है और अंधेरा छाया हुआ है, तो चलिए लाइट लगाते हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैंने बताना आपको भूल गया कि मुझे आप ज़रा मुबारकी दे दें कि मेरे पास आ गया है जी 3 कैमरों वाला मोबाइल। अभी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी होगी और मज़े की वीडियोस बनेंगी और आप लोग देख के बहुत एंटरटेन होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी शुरुआत करते हैं वाइड एंगल से। अल्लाह ने बड़ा करम किया, 3 कैमरों वाला मोबाइल आ गया, तो अभी वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी। आप देख भी सकते हो कि मुझे बहुत शौक था कि मैं ये वाइड एंगल में वीडियो बनाऊँ, और बस वो शौक़ पूरा हो गया। तो इंशाल्लाह रमज़ान की प्यारी प्यारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा और आप लोग को एंटरटेन करूंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते कि अभी है जी 6 बजे और असर का टाइम है, लेकिन बारिश को देखें, इस सर्दी को देखें और इस अंधेरे को देखें, बिल्कुल न मानने की बात है। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह का बहुत फजल करम है, रोज़े हैं और ऐसे ठंडे रोज़े हैं कि बिल्कुल भूख ही नहीं लग रही, रोज़ा बिल्कुल लग ही नहीं रहा। फ्रेंड्स, बाइक बड़ी परेशान खड़ी हुई है और बस सर्दी है, इसे मैं निकाल भी नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह आज मेरा प्रोग्राम है किधर जाने का, और मैं जी जाऊंगा किधर, और बाइक भी नहीं, गाड़ी में इंशाल्लाह जाऊंगा। फ्रेंड, मेरी प्यारी किटी बहुत परेशान लग रही है, रोज़ा हमारा है और परेशान ये है। अच्छा, असल में बात ये है कि इनकी जो चिक्स फ्रेंड है, ये गोल्डन बफ ब्रीड है, तो ये दोनों फ्रेंड्स हैं, और आज बारिश की वजह से मैंने इन्हें बंद किया हुआ है, मैंने बाहर नहीं छोड़ा, और ये यहाँ पर खफा है कि ये कैसे निकलेंगे और हम कैसे खेलेंगे। तो बस आज के लिए किटी भाई गुजारा करो। अच्छा फ्रेंड्स, भूख तो बहुत लगी हुई है, प्यास नहीं लग रही, तो ये है जी होममेड पिज़्ज़ा, आप देख सकते हैं अभी तक बेक नहीं हुआ सही, लेकिन इंशाल्लाह इन प्रोसेस है, और ये इंशाल्लाह फिर अफ्तारी में खाएंगे, आपके साथ शेयर टेस्ट भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपना टाइम को जो है वो स्पेंड करूँ, क्योंकि अफ्तारी के लिए लगभग 20 मिनट रह गए हैं, और मैंने कहा चले आप लोग भी मेरी वीडियो देख के आप लोग अगर थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ का एहतमाम ज़रूर कीजिए कि अफ्तारी, कोशिश करें कि आप जब अफ्तारी के लिए बैठें तो 5-10 मिनट पहले बैठें और दुआ मांगें, और जैसी आज़ान हो तो आप लोग रोज़ा खोलें, इंशाल्लाह इसका एहतमाम करेंगे ना। तो फ्रेंड्स, मैं अपने आपके साथ शेयर करता हूँ अपने रमज़ान की स्टडी का स्केड्यूल। तो स्टडी तो ये है कि यार सही बात बताऊँ तो रमज़ान में यही इंटेंशंस होती हैं कि यार बस सबक मबक नहीं पढ़ेंगे, तिलावत की, नमाज़ पढ़ी, नवाफिल वगैरह सही हो गया, लेकिन सबक को हाथ नहीं लगाए। लेकिन मज़े की बात यह है कि अभी एग्ज़ाम करीब है, इंशाल्लाह ये मंडे नहीं, इंशाल्लाह उससे फिर नेक्स्ट मंडे हमारे एग्ज़ाम्स हैं। तो ये है जी सेटअप मेरा, ये लैपटॉप है, लैपटॉप को कभी यूज़ करता हूँ, बस ये नोटबुक है, और मैं तो किताबी कीड़ा नहीं हूँ, लेकिन नोट्स जो है वो मैं बहुत ज़बरदस्त लेता हूँ। तो ये है कि फ़िलहाल तो पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, और फिर इंशाल्लाह देखा जाएगा जब एग्ज़ाम करीब आ जाए एक हफ़्ते बाद, फिर इंशाल्लाह देखेंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी भी हो गई और तरावियाँ भी पढ़ ली। आप देख रहे होंगे इस गिलास में क्या है, और इस गिलास में है जी दूध, और मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड हमादुल्लाह की तरफ। सीधा चाहिए उस वजह इंशाल्लाह वीडियो पुख्तों के स्टार्ट कमा और उर्दू के हम ट्राई हो को, मैं इंशाल्लाह उस कोशिश को हम जैसे वीडियो लग पुख्तों के ट्राई कम और तासु हम उगो रही तासु माता कमेंट से खा मखा हुई जिसे आइंदा वीडियो चीधे मखनी वीडियो सीधी अगर उर्दू के जोड़ कम और कहना पुख्तों के जोड़ कम। हाँ फ्रेंड्स, उस रवान हम कहना अकबल मरगरी हमाद साइड था, हमाद चीधे दा जमा दे जिम पार्टनर हम दे जमा नेबर हम दे और दे दे फॉरेस्ट बाजार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सर आ गई जूस दुकान के कार के शोरमा जोड़ी और जूस जोड़ी और दा पे चीधी माजान सर आगस्ती तासो गो रही दा कोरनी पे दी और दे पे के बरा लाला जूस जोड़ी
یو برگر برا ما خوري اغه ریپ ډیر روزونه زین وایټ کړه ما ته ویل چې ته بخامه خره زین او بس لیټ هم دی خو بس ما سره پرامیس کړو پر نو بس ان شاء الله نن ورزم ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ملګرو دا دی حماد خان مخامخ ولاړ دی او ډیر ایکسایټیډ دی ما دا پاره ډیر انتظار وکړو دا ما ډیر خبر کړی دی نو ورسره ملاویږو او دا پیم وړو چې دا غرا له جوړ کی جوس دا دی حماد خان ما څنګه یار هاي جوړ صحیح ده او بس ګاډي درا شورمم جوړ کو تینو راځه غب بولګو فرندز وګوري حماد بھائی خرچه سٹارټ کړی دی او شورما را له جوړی پی خو یې هغه کس را ور کړل هغه جوس جوړی او دا لگیا دی جی شور میں جوڑی فرینڈز کورنے پی والا جوس رو رسیدو دا گوری دیر جیبا خبر دخا دا سبا چر دا سی دکان جوس دکان کی بدا مل پیک والا سکلی خدا کورنے پیر والا جوس بم نیس کلی اور ازی ٹرائی کو جی سنگا ٹیسٹ دے ماشاءاللہ یار صداقت بھائی یہ رستو پری خودو یہ کلیمیٹر رستو پری خودو ماشاءاللہ شورما را رسیدا خرچه دی پیو کاو کنا زبردست عام خلکو دا پر سنگ جوړیا غ شان دی جوړا کنا مال اسپیشل اسپیشل لگ دا ګور زما مرګرو جیم پارټنر دی او داسې برګر جوړ کړی چې د خیره بس دوه ورځې کې باندې باډیم جوړ شي فرندز اوس دا شورما ټیسټ کو چې دا شورما سنگ دی حماد بھائی جوړ کړی دا امید دی چې سب خبه خولي بھائی او دا شه دی یار پتہ نہیں چھ بو 100 تک 150 تک اسے ریٹ معلوم نہیں رہتا او دا چھ ٹیس بہ انشاء اللہ کھلی نو راضی چھ یار ٹیس خدا سے حساب خد یار ماشاء اللہ مزیدار ٹیس یار حماد بھائی لاس کے خوان چھتا حمادہ سو فرینڈز نن دا پارا ہم دونے ویڈیو وا انشاءاللہ امید دے جستا سو ویڈیو خو خوشوی انشاءاللہ بیا ملاوی گو بل ویڈیو کے نو انشاءاللہ آغا وقت پوری مارے اجازت را کئی اللہ حافظ